यहीं बाजू पे देखो गली क्रिकेट, यहीं से यही गली से निकलते हैं जो नेपाल का जितने भी प्लेयर है यही गली से निकला हुआ है। गाइस देखो देखो गाइस, ही इज डूइंग ग्रेट जॉब। तो यही है, यही ब्रिज। तो गाइस देखो कैसा एकदम दिक्कत है तानने के लिए, लोड अनलोड करने के लिए। देखो ये देखो यहाँ का जो जनजीवन है, जनजीवन ऐसा है। ये देखो यहाँ से पूरा पूरा एकदम क्या तो गाइस, लाइफ इज नॉट इजी फॉर एवरीवन। तो भी मेहनत कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। देखो कोशिश करना चाहिए गाइस, कभी लाइफ में एक्सक्यूज मत बनाना चाहिए। यही है जुनून, यही है लाइफ। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग गाइस। तो आज भी हम वेस्टर्न साइड ऑफ नेपाल पे हैं। तो यही साइड पे देख सकते हैं जो आप ब्रिज देख रहे हैं, यही देखने के लिए हम आए थे यहाँ पे। और ये फुल इंफॉर्मेशन देने वाला हूँ गाइस। ये सस्पेंशन ब्रिज, चौहादनी दोदरा सस्पेंशन ब्रिज बोलते हैं, जो नेपाल का भूभाग है, दो नगर पालिका है। यही पुल के क्रॉस करने के बाद वहाँ पहुँच सकते हैं। उधर जाने वाला कोई भी रास्ता नहीं है, उधर जाने आने के लिए सिर्फ यही जो ब्रिज है, यही ब्रिज बना हुआ है। और इसके आगे एक एग्जिस्टेंस ब्रिज बन रहा है वो उधर जाने के लिए। तो यही वाला ब्रिज का पूरा इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ गाइस, तो देखते रहना। यही सस्पेंशन ब्रिज का सामने से आप देख सकते हैं यहीं पे कैसे बच्चे लोग इंजॉय कर रहे हैं। तो यही वाला ब्रिज का फुल इंफॉर्मेशन देने वाला हूँ गाइस, फुल इंफॉर्मेशन आपको मिलेगा। देखते रहना कितना बड़ा ब्रिज है, आपको दिखाते दिखाते हैरान हो जाएंगे गाइस। देखिए यहीं पे गली क्रिकेट भी चल रहा है गाइस यहाँ। तो यही है सबसे बड़ा सस्पेंशन ब्रिज, आर्क टाइप ब्रिज यहाँ पे बना हुआ है, एशिया का दूसरा नंबर। देखो देखो बच्चे लोग का कैसे एंजॉय कर रहे हैं। तो हम यहीं नज़दीक का एक होटल पे, जो एकदम मेहनत किए हैं भैया ने, यही वाला एरिया पे हम थोड़ा बातचीत कर रहे हैं। भैया आपका शुभ नाम बता दीजिए। मेरा नाम कृष्णा थापा। कृष्णा थापा, कितना साल से ये जगह पर रहे हैं? 19 साल। पहले यहाँ पुल था कि नहीं? तब पहले पुल नहीं था। क्या था? खाली नीचे से खाली किश्तियाँ चलती थी, बताइए। पुल के बाद जैसे पानी बंद हो गया तो नीचे से गाड़ी चलती थी, नहीं तो बरसात में बंद है। तो मतलब जब आगे का जो डैम क्लोज रहता है, आगे का डैम क्लोज होने के बाद जितने भी इधर का लोग को मतलब पानी का कोई शॉर्टेज है कि नहीं है, ये भी बता दीजिए। अरे पानी ऑक्सीजन में पानी तो, जब पानी ज़्यादा होता है तो यहीं आता है, पानी कम हो गया तो सब इंडिया जाता है, यहाँ सूखा रह जाता है। सूखा रह जाता है। तो किसान कैसे इरिगेट करते हैं? किसान के लिए भी पानी तो छोड़ते हैं, लेकिन उन्हें अपनी मर्जी से देते हैं ना। अच्छा, या हमारा मर्जी से? हमारा मर्जी से यहाँ कुछ नहीं होता है, सब उसी की मर्जी से होता है, क्योंकि हम यहाँ सेवा सत्कार करने वाले कम है। अच्छा, तो गाइस यही वाला होटल यही बाजू में आप देख सकते हैं। 19 साल पुल बनने से पहले से ही यहाँ थोड़ा अपना व्यापार बिजनेस यहाँ चल रहा है गाइस। देखो यही वाला होटल पे आ जाना भाई, एक बार विजिट कर देना। तो यही वाला एंट्रेंस सेक्शन है गाइस, पूल का एंट्रेंस सेक्शन आपको दिखा रहे हैं। अब हम लोग ऊपर चल रहे हैं गाइस। तो फाइनली गाइस पूल का एंट्रेंस सेक्शन आपको दिखा रहे हैं, यहीं पे यही वाला एरिया पूल का एंट्रेंस है गाइस। तो यही बाजू पे आपको देखने को मिलता है पुलिस कैंप, यहीं पे। और कैसा है क्या है आपको मिलने वाला है। तो गाइस यहीं से एशिया का दूसरा चुलो, यानी कि दूसरा बड़ा वाला सेक्शन मानते हैं, सिर्फ यहीं पे ऐसे करके ट्रांसपोर्टेशन भी चलता है। और नेपाल का सिर्फ दो वो गाँव पालिका बोलते हैं, चांदनी और दुदारा, उसी को कनेक्ट करने के लिए ये ब्रिज बना है। और अभी बहुत दूरों पे वहाँ पे एक कंक्रीट ब्रिज भी बन रहा है गाइस।
देखिए आपको दिखा रहे हैं गाइस पूरा गाइस, इतना लंबा ब्रिज है कि आपको दिखाते दिखाते हैरान हो जाएंगे गाइस। देखिए वही आपको मानिए 1456 मीटर लेंथ है, करीब करीब 1.5 किलोमीटर। तो यहाँ सिर्फ बाइक ही चलने को मिलता है गाइस। थोड़ा साइड एंगल से आपको दिखाने वाला हूँ, देखिए कितना लंबा तक है गाइस, नज़र नहीं आ रहा है इतना लंबा है। अभी हाफ वाला सेक्शन पे भी नहीं पहुँचे हैं गाइस, आपको दिखाएंगे। यहीं रिवर है, आप भी देख सकते हैं, हाफ वाला सेक्शन में भी हम लोग नहीं पहुँच रहे हैं गाइस। तो ये जो रिवर आप देख रहे हैं गाइस, यही रिवर को बोलते हैं महाकाली रिवर, जो इसका पूरा फुल एंगल आपको देखने को मिलता है यहाँ पे। देखिए तो जो हम लोग सस्पेंशन ब्रिज है, सस्पेंशन ब्रिज मीन्स यही है चांदनी दोदरा पुल, जो एशिया का दूसरा लंबा वाला पुल। देखो यहीं पे हाउ द ट्रांसपोर्टेशन गोज ऑन। तो वी आर ऑन द सेंटर पार्ट ऑफ द ब्रिज। सर कैन यू इलाबरेट व्हिच टाइप्स ऑफ ब्रिज इज दिस? दिस वन इज suspension bridge. Suspension bridge. Okay. What is the main theme of this bridge? What is the main value? To whom this bridge is connecting? तो गाइस पुलों का बीचों बीच हम लोग आ चुके हैं। देखिए स्पीड भी दिखाते हैं दौड़ते दौड़ते यहाँ पे। ये है नजरा, देखो यहाँ पे यही है। सिर्फ एक ट्रांसपोर्टेशन चलता है गाइस, बाइक में सवार कर सकते हैं और रेखते रेखते पैदल भी हम लोग जा सकते हैं। तो यही है मेन, यहाँ का सिर्फ कनेक्ट करने के लिए पहले तो यही ब्रिज था, सिर्फ बाइक वगैरह साइकिल वगैरह वगैरह चलता था गाइस। तो अभी इसी का एग्जिस्टेंस में ऊपर वाला हिस्सा पे एक कंक्रीट ब्रिज बन रहा है गाइस। तो हम तकरीबन 1/3 पार्ट पे आ चुके हैं और आगे वाला भी आपको दिखाएंगे फूल। देखो यही है कैसे करके पूरा ब्रिज को ऊपर आ रहे हैं। देखिए दिस इज द रिवर, यही वाला रिवर तो गाइस देखो कैसा एकदम दिक्कत है तानने के लिए, लोड अनलोड करने के लिए। देखो ये देखो यहाँ का जो जनजीवन है, जनजीवन ऐसा है। ये देखो यहाँ से पूरा एकदम यही पुल का वजह से ऐसे हो रहा है। तो गाइस यही वो मतलब जो वो फायर वुड रहता है, फायर वुड तो निकालने के लिए ये सब ऐसा कर रहे हैं यहाँ के जो बैठने वाले लोग हैं। यही करीब करीब नदी का सेंटर वाला पार्ट पे हम लोग आ चुके हैं गाइस और आगे जा रहे हैं। तो आधा वाला तकरीबन आधा वाला पूछता आधा वाला जो हिस्सा है हम लोग कम्प्लीट कर चुके हैं गाइस, वो आपको दिखा रहे हैं। यही वाला एरिया है पूरा, रातों दिन पूरा पानी रहता है जब रेनी सीजन स्टार्ट होता है वही वाला टाइम पे। देखिए तो बीच वाला सेक्शन पे हम लोग पहुंच चुके हैं गाइस। देखिए बीच से भी क्रॉस कर चुके हैं। तो फाइनली गाइस हम लोग इंड वाला सेक्शन पे आ चुके हैं। देखिए यही वाला करीब करीब यहीं पे नज़दीक पे इंड वाला सेक्शन आपको देखने को मिलता है गाइस। तो यहीं पे एक बोर्ड लगाया हुआ है गाइस, देखिए दोदारा पोस्ट, यहाँ फुल इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। देखो तो यहीं से आगे वाला इंडिंग वाला हिस्सा पे आ चुके हैं गाइस, ये वाला इंडिंग वाला हिस्सा है। तो फाइनली देखो गाइस हम लोग ओ पार आ चुके हैं, पुल का ओ पार। देखिए ये वाला सेक्शन है, यहाँ से ऐसा वाला सेक्शन देखने को मिलता है।
और थोड़ा साइड एंगल से आपको दिखाऊंगा। तो यही वाला सेक्शन थोड़ा साइड से आपको दिखा रहे हैं गाइस, यही वाला सेक्शन आपको देखने को मिलता है, यही जो इंड वाला सेक्शन। हम लोग इस साइड से चले थे तो हम लोग इंड वाला सेक्शन पे आ चुके हैं, देखो ये वाला सेक्शन। तो यही ब्रिज का नज़दीक यहाँ एक बोर्ड लगाया हुआ है गाइस, देखिए। तो यहाँ जो कॉन्टैक्ट नंबर भी यहाँ पे दिया हुआ है, आप लोग यहाँ पे विज़िट कर सकते हैं। तो हम लोग बैठे हुए थे यहाँ पे सुगा फाट जंगल कॉटेज, यहीं पे बैठे हुए थे गाइस, देखिए यही वाला एरिया पे हम लोग का नाइट स्टे हुआ था। तो यहाँ भी इसका संपर्क नंबर दिया हुआ है। तो फाइनली गाइस यही वाला एरिया पे हम लोग अभी अभी आए हैं। तो इस जगह पे कहाँ कहाँ का पर्यटक स्थल है ये सब यहाँ देखने को मिलता है। तो अब मिलेंगे अगले वाला वीडियो पे गाइस, देखते रहना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस ब्लॉग, एंड अब दूसरा बार फिर दूसरे वाला ब्लॉग पे हम लोग मिलेंगे गाइस। बाय बाय।